Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Luqman. In this video, we're going to discuss torch examination. This video has four parts. The first part, we will be discussing basic overview regarding torch examination. The second part will be on torch selection. The third part will be on torch examination on patient. And at the end, we will be discussing the key points in torch examination. So be attentive and listen carefully. आज हमारा टॉपिक है टॉर्च एग्जामिनेशन। क्या पढ़ना है आज हमने? टॉर्च एग्जामिनेशन। तो यकीनन आप लोग टॉर्च लाए होंगे सारे। यस सर। है सबके पास है टॉर्च? यस सर। लाए हैं। टॉर्च निकाल। निकाल। एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा एक काम करें वो लाइट्स कौन ऑफ करेगा? ये भी लाइट्स ऑफ कीजिएगा। बल्कि अभी ऑन रहने दें। एक मिनट ऑन रहने दें। एक मिनट ऑन। अपनी जिसके पास टॉर्च है ना इसे ऑन करें और छत पे मारें। मार ली। छत की तरफ डायरेक्शन कर दें। टॉर्च ओपन और इसकी डायरेक्शन छत की तरफ। अब लाइट्स ऑफ करें। क्या कुछ फर्क पड़ा लाइट में? टॉर्च की लाइट इंटेंसिटी में कुछ फर्क पड़ा? यस सर। यस। टॉर्च की लाइट इंटेंसिटी में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा लाइट्स ऑफ करने से? पढ़ा है ना? यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है टॉर्च एग्जामिनेशन में? नंबर वन कि जब भी आपने टॉर्च एग्जामिनेशन करना है लाइट्स को ऑफ करना है या डिम करना है। टेक होम मैसेज क्या है? लाइट्स को ऑफ बोलें तो सही। लाइट्स को ऑफ करना है या डिम करना है नंबर वन। नंबर टू इंपॉर्टेंट थिंग एक जगह रखें टॉर्च। आप तो म्यूजिशियन की तरह उसे हिला रहे हैं। एक जगह रखिएगा सर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है टॉर्च एग्जामिनेशन में? टॉर्च इटसेल्फ। टॉर्च इटसेल्फ से क्या मुराद है? टॉर्च की सिलेक्शन। और उस सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टॉर्च हेलो प्लीज बी अटेंटिव। क्या कह रहा हूं लिखे मार अभी अभी सुन ले थोड़ा सा ना जस्ट लिसन। अब इसमें एक देखें टॉर्च की इंटेंसिटी किसी टॉर्च की ज्यादा है किसी को येलो आई थी। येलो की तरह टॉर्च एक येलो आई थी। यस यस वो देख। क्या उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस टॉर्च की है? यहाँ तो अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो वो पेशेंट को प्रॉब्लम करेगी। ये देखें मेरी बात सुनो। हेलो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम करेगी और उसे क्या फोटोकॉपिया हो सकता है। तो एक मीडियम इंटेंसिटी टॉर्च होनी चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज स्कोटोमालेस। वो एक टॉर्च देखें वो दरमियान में जो फिर बाकी सारे ऑफ करें जरा। यस दिस वन वो पीछे वाली भी ऑफ करो। हाँ ये एक टॉर्च। इसके दरमियान में देखें एक स्पॉट है कि नहीं है ना। तो ये जब भी आप एग्जामिनेशन करेंगे स्कोटोमालेस होनी चाहिए टॉर्च। तो टॉर्च में नंबर वन इज स्कोटोमालेस। उसकी इंटेंसिटी मीडियम हो। बहुत ज्यादा ना हो बहुत कम भी ना हो। कम हो जो येलो थी येलो वाली ऑन कीजिएगा। ये येलो अप्रिशिएट हो रही है पता ही नहीं लग रहा। हल्का सा महसूस हो रहा है ना बस। तो ये डिफरेंट टॉर्च हैं और इसे जरा मूव कीजिएगा अप एंड डाउन 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 लाइन ऑल डाउन डाउन। इसमें किसी में स्कोटोमा लग रहा है आपको? यस सर। इसमें आपको फील हो रहा है ना नंबर वन। और नंबर टू इसके सर्कल को देखें उसका सर्कल कैसा है? इसका सर्कल कैसा है? नीचे करें इंटेंसिटी चेंज होती है नीचे करने से? बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। डिस्टेंस इसका मतलब है कि डिस्टेंस भी मैटर करता है। यस। टॉर्च एग्जामिनेशन में नंबर वन आपका डिस्टेंस भी मैटर करता है। व्हाट एल्स और क्या मैटर करता है? उसका सर्कमफेरेंस भी मैटर करता है। और जो सर्कमफेरेंस उसका बन रहा है उसके अंदर का जो स्पॉट है उस लाइट का वो भी मैटर करता है कि उसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है या स्कोटोमा तो नहीं है। तो स्कोटोमा लेस होना टॉर्च का जरूरी है। इसे ऊपर करें जरा ऊपर करें। ये देखें कैसे इसका नीचे कीजिएगा
और ये चल नहीं रही, और ये चल नहीं रही, ठीक है। और चलने वाला जो काम है ना, ये एग्जाम में अक्सर होता है। आप एग्जाम में टॉर्च चलाने लगते हैं ना तो नहीं चलती, इसलिए उसको पहले चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हुई आप बताएंगे, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? नंबर वन, लाइट की, बी वोकल, स्कोटोमा लेस होनी चाहिए, और टॉर्च को चेक करना है एग्जामिनेशन से पहले, पहले कि वो चल भी रही है कि नहीं चल रही। व्हाट एल्स? और लाइट की इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती है विद द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस भी मैटर करता है योर एग्जामिनेशन। और कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो अभी डिस्कस करते हैं, okay, कितने डिस्टेंस से करना चाहिए, किस एंगल पे करना चाहिए, और टॉर्च पे आप क्या क्या रूटीन में देख सकते हैं एट योर MBBS लेवल, या चलते फिरते भी, क्योंकि टॉर्च एक ऐसी चीज़ है जो एक आई स्पेशलिस्ट आपके लेवल का, एक स्टूडेंट के लेवल पे, इट्स लाइक अ स्टेथोस्कोप। ओके, तो आजकल तो मोबाइल हैं सबके पास, आजकल तो टॉर्च कम ही यूज़ करते हैं, तो लेकिन गुड थिंग कि आपका बैच टॉर्च लाया है। तो लेट्स प्रोसीड। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स, क्या करने लगे? टॉर्च एग्जामिनेशन। तो टॉर्च एग्जामिनेशन में जैसे सबसे पहले हमने बताया, हमने डिस्कस किया कि लाइट्स का ऑफ होना ज़रूरी है। नंबर वन, लाइट्स का ऑफ होना ज़रूरी है। नंबर टू, टॉर्च की सिलेक्शन, टॉर्च की सिलेक्शन में उसका स्कोटोमा लेस होना ज़रूरी है, उसकी लाइट की इंटेंसिटी को देखना ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ उसके टॉर्च के डिस्टेंस से वो इंटेंसिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। एक एग्जामिनर है और एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इज योर पेशेंट। तो ये वॉलंटियर हैं अभी हमारे पास, और वी आर गोइंग टू परफॉर्म टॉर्च एग्जामिनेशन। तो नंबर वन जो हमने अभी बात डिस्कस की थी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉर्च में लाइट को ऑफ करना है। तो वो लाइट ऐसा करें कि ऑफ कीजिएगा, ऑफ होगी तो स्विच ऑफ द लाइट्स। तो जब भी आपको टॉर्च एग्जामिनेशन का या कोई भी फंडोस्कोपी का इवन कहा जाए, तो इधर यू नीड टू स्विच ऑफ द लाइट्स और डिम द लाइट्स। दूसरी चीज आपका डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आर्म लेंथ, रफली ये आर्म लेंथ डिस्टेंस आप रखें। और तीसरी चीज आपने क्या करनी है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? आर्म लेंथ, सबसे पहले आपने टॉर्च यूं आंख पे यूं डालनी है। आपको ये दो डॉट्स नजर आ रहे हैं, सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखना है? प्राइमरी गेज में, टॉर्च एग्जामिनेशन में, सिमेट्री ऑफ आईज देखनी है कि आईज अलाइन हैं या नहीं है। एक ग्रॉसली पता लग जाता है बंदे को। तो टॉर्च एग्जामिनेशन पे स्क्विंट की असेसमेंट भी की जा सकती है। स्क्विंट क्या होता है? मिस अलाइंड आई। तो जो सबसे पहला, और इस टेस्ट को क्या कहते हैं, एनीबॉडी? हर्शबर्ग टेस्ट। ये जो लाइट्स नजर आती, डॉट्स आ रहे हैं नजर आपको? डॉट्स आए नजर, हेलो पीछे आ रहे हैं? तो ये लाइट अब कुछ आ रहा है नजर? नहीं आ रहा। ये देखें, कैन यू फील द डिफरेंस? तो ये अगर सेंट्रल है तो आईज अलाइन है प्राइमरी गेज में, इज इट ओके? तो टॉर्च एग्जाम सबसे पहले आपने ग्रॉसली देखना है, फेस की एसिमेट्री देख ली कि सिमेट्रिकल फेस है, एसिमेट्री तो नहीं है, कोई आई बाहर को तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, लिड के मार्जिन को देख लिया, टोसिस तो नहीं है, लिड ड्रूप तो नहीं है, और लैशेस आपको नजर आ रही है, थोड़ा सा क्रीप जाके देखते होते हैं, लेकिन ग्रॉसली आपको दूर से भी अंदाजा हो जाता है आई लैशेस का भी। और फिर आई लिड्स का अंदर को रोल्ड इन तो नहीं है, रोल्ड आउट तो नहीं है, इंट्रोपियन एक्ट्रोपियन तो नहीं है, तो ये ग्रॉसली आपने ये देखा। फिर उसके बाद आप टॉर्च को थोड़ा सा करीब लाएंगे और क्या देखेंगे? व्हाट एल्स, एनीबॉडी? तो टॉर्च में नंबर वन आपने आई का एडिनेक्सा, जो बाहर से रिलेटेड चीजें हैं उनको, और अपरेंट लुक देख ली, और दूसरा अगर आप आगे जाएं तो कॉन्जक्टिवा, ये कॉन्जक्टिवा देख लिया, लिड मार्जिन देख लिए, लिड मार्जिन, कॉन्जक्टिवा, व्हाट एल्स? ऊपर देखिएगा, और कॉन्जक्टिवा देखते हुए ऊपर की कमांड देनी है आपने इन्फीरियर पे, नीचे के लिए नीचे देखें, डाउन, ये यहाँ पे थम आपने ये आईब्रोज पे जो आपका ऑर्बिटल मार्जिन आता है यहाँ रखते हुए लिड को एलिवेट करना है, और सुपीरियर पार्ट ऑफ योर लिम्बस देखना है, सारा जो ऊपर का बल्बर कंजक्टिवा है वहां पे बाजू का, ये क्यों देखना है? एनीबॉडी? यहां पे ट्रेबिकलेक्टमी का बाजू का कुछ ना कुछ होता है,
या कंजेशन देखनी है कंजक्टिवाइटिस को देखने के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि आपने सीधा स्ट्रेट प्राइमरी गेज ऊपर देखें, नीचे देखें, सीधा देखें, फिर आपने कॉर्नियल एग्जामिनेशन है। कॉर्नियल एग्जामिनेशन जो आपने करना है टॉर्च पे, प्लीज इधर देखें, बाद में लिख लीजिएगा, अभी जस्ट लिसन, जस्ट वी विल रिपीट इट। तो कॉर्नियल एग्जामिनेशन पे आपने ये 45 के लेवल पे रखा, कॉर्नियल और एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन के लिए आपने टॉर्च को ये 45 एंगल यहां पे यूं रखनी है, ये यूं ना रखें, यूं ना रखें, यूं नहीं रखनी 45, ना यूं रखनी है 45। क्या बनता है दिस इज, ये अगर लाइन, अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उधर से अगर ये यहां से देखें तो 45 पे क्यों रखते हैं, वहां पे एंटीरियर सेगमेंट डिटेल्स बड़ी अच्छी नजर आती हैं। ओके, तो कॉर्निया पे क्या देखना होता है वो सारा सेपरेट टॉपिक है। कॉर्नियल ओपेसिटीज देखनी है, कोई स्कार आपको नजर आ रहा है, क्रेटोकोनस में आपको क्या कौन से साइंस इसमें नजर आ सकते हैं टॉर्च के ऊपर। फिर उसके बाद ये आपने एंटीरियर सेगमेंट देख लिया, सीधा स्ट्रेट देखें, पेशेंट का हेड स्टेबल, सबसे पहले पेशेंट का हेड स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रेट हेड उसे दिखाना है और दूर दिखाना है। प्राइमरी सबसे पहला काम क्या करना है, लाइट्स ऑफ, स्टेबल द पेशेंट हेड, पेशेंट के हेड को स्टेबल करना है, उसे कमांड दूर देखने की देनी है, कितने दूर की, हेलो बॉयज, कितना दूर, कितना दूर, 6 meters, वाई 6 meters, वाई 6 meters, आइडियल का क्या मुराद है, वाई आइडियल, कोई रिकमेंडेशन होगी ना, बिकॉज एट 6 meter अकोमोडेशन बिकम्स एट रेस्ट, एंड व्हाट इज अकोमोडेशन उस पर डिस्कस करते हैं, अकोमोडेशन पाते हैं और अकोमोडेशन में क्या क्या होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। उसमें सबसे प्राइमरी चीज क्या हुई, हेड स्टेबल हो, लाइट्स ऑफ हैं, दूर दिखाना है, और उसके बाद आपने ये टॉर्च सीधी डाली, ये दो डॉट्स नजर आए, इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, हर्शबर्ग टेस्ट कहते हैं। ये इंडिकेट करती हैं कि अपेरेंटली आईज अलाइन है इन प्राइमरी गेज, राइट। उसके बाद आपने कॉन्जेक्टिवा एग्जाम, लिड एग्जामिनेशन है, कॉन्जेक्टिवा एग्जामिनेशन है, ग्रॉसली आपको दूर से भी नजर आ जाते हैं आर्म लेंथ से, एंटीरियर लिड मार्जिन देखा, पोस्टीरियर लिड मार्जिन देखा, आई लैशेस की डायरेक्शन देखी, ट्रेकियसिस तो नहीं है, डिस्ट्रेकियसिस तो नहीं है, एक्स्ट्रा रो ऑफ लैशेस तो नहीं है, कॉन्जेक्टिवा को देखा, ऊपर देखें, नीचे देखें, कॉन्जेक्टिवा सारा देख लिया, उसके बाद लिड को इवर्ट करके भी देख सकते हैं, और एंटीरियर सेगमेंट के लिए 45 के एंगल पे आपने रखी कि 45 के एंगल पे मैक्सिमम डिटेल्स आपको एंटीरियर सेगमेंट और कॉर्निया की नजर आती हैं। उसके बाद प्यूपल एग्जामिनेशन टॉर्च से आता है, यू हैव प्यूपल एग्जामिनेशन, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे प्यूपल में क्या क्या देखना होता है। तो प्यूपल में वही आपने फार दिखाना है, फार क्यों दिखाना है, अभी बताया अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन में और क्या होता है, क्योंकि प्यूपल में डायलेट होता है, अकोमोडेशन पे प्यूपल डायलेट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है कि डायलेट होता है, नहीं बड़ी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल होती है, मियोसिस ऑफ प्यूपल, व्हाई, व्हाई मियोसिस, एनीबॉडी। और अकोमोडेशन में क्या होता है, वो जो तीन चीजें आती हैं कॉमन चीजें कौन कौन सी होती हैं नियर रिफ्लेक्स की, नंबर वन इज लाइट रिफ्लेक्स, क्या होता है लाइट रिफ्लेक्स में तीन चीजें कौन सी होती हैं कॉमन, नंबर वन लाइट रिफ्लेक्स कितनी किस्म का होता है, ये अभी लाइट डाल रहे हैं ना टॉर्च से, आप आंख में लाइट डाल रहे हैं टॉर्च से, क्या कर रहे हैं आंख में लाइट डाल रहे हैं, तो क्या होगा लाइट रिफ्लेक्स जनरेट होगा, और लाइट डालने से प्यूपल पे क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। एक इनडायरेक्ट होता है, कंसेंशुअल होता है, वो प्यूपल एग्जामिनेशन में देखेंगे। तो बस इन शॉर्ट आपने ग्रॉस एग्जामिनेशन किया, लिड को एग्जामिनेशन कर लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर लिड मार्जिन्स, कॉन्जेक्टिवा देख लिया, स्क्लेरा भी डेफिनेटली आपको नजर आ जाता है, फिर कॉर्निया देख लिया, एंटीरियर सेगमेंट डिटेल देख ली, प्यूपल का साइज शेप उसके मार्जिन्स उसका कलर जो आयरस का कलर है इनको आपने देख लिया, और उसके बाद फिर प्यूपल एग्जामिनेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट योर लेवल इज द लेंस। तो टॉर्च इज बेसिकली यूज्ड किस काम के लिए, लाइट्स ऑन कर दें मशीन,
टॉर्च इज बेसिकली यूज एट योर लेवल, किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? योर एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ योर आई. इट इज द टूल टू एग्जामिन एंड असेस डिटेल्स ऑफ योर एंटीरियर सेगमेंट. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आवाज नहीं आई. आवाज नहीं आई. क्या बोला है? Can you repeat it? Torch is used to examine. आवाज नहीं आ रही. Torch is used to examine the anterior segment. Anterior segment. अब anterior segment क्या होता है नहीं बॉडी? एक anterior segment होता है, एक posterior segment होता है. Simple रखें. Anterior to lens is anterior segment. Simple. बाकी detail में discuss करेंगे इसे. Anterior to lens is anterior segment and posterior to lens is posterior segment. तो लेंस भी आपको इसका मतलब है बताना है. तो उसमें आपको टॉर्च पे क्या नजर आएगा? इनकी अगर आंख पे देखें तो लेंस है. तो अगर वो लेंस नहीं होगा तो उसे कहते हैं एफेकिया, और अगर लेंस होगा तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल लेंस. इज कॉल्ड आर्टिफिशियल को क्या कहते हैं? सूडो. सूडो पोर्ट्स नहीं पड़े? सूडो पोर्ट्स. सूडो मीन्स फॉल्स. तो सूडो फेकिया. फेकिया मीन्स lens. Is it okay? Thank you. The key point in torch examination is the gross examination of your eyes, eyelids and adnexa. You can appreciate facial asymmetry, or you can see apparent facial pathology like proptosis or endophthalmos. You can see eyelids like ptosis, entropion, ectropion, trachiasis or dystrachiasis. You can assess squint like Hirschberg test, cover, uncover, alternate cover. You can examine conjunctiva and sclera. And you can see the anterior segment details like cornea. You can see keratoconus, corneal foreign bodies or corneal opacity. You can appreciate anterior chamber details like shallow or deep AC, iris color, shape, pupil color, size, shape and its function. Even you can appreciate the lens, whether eye is phakic, aphakic or pseudophakic. You can appreciate heterochromia, or even you can assess extraocular motility with the help of torch. In short, torch is a basic tool for undergraduates as well as doctor on duty in any specialty.